हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि निप्पल से वाटर जैसा डिस्चार्ज होना, ये कितना नॉर्मल है और कितना एबनॉर्मल, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी रिप्रोडक्टिव एज के बारे में। जो फीमेल्स होती है ना, सबकी अपनी एक रिप्रोडक्टिव एज होती है। ये एज क्या हो जाती है? जब आपका अपनी लाइफ में पहला पीरियड आता है यानी कि मेनार्के, और जब आपकी लाइफ का लास्ट पीरियड होता है यानी कि मेनोपोज। तो मेनार्के से लेके मेनोपोज तक की जो आपकी एज होती है, बीच का टाइम पीरियड होता है, वो हो जाती है आपकी रिप्रोडक्टिव एज। ठीक है, तो ये जो रिप्रोडक्टिव एज है, इस एज में फीमेल्स को कभी भी वाटर जैसा डिस्चार्ज हो सकता है। लेकिन जो मोस्ट कॉमनली एज है वो होती है आपके 13 साल से लेकर 17 साल तक, क्योंकि इस एज में आपको फर्स्ट पीरियड आता है, आपके शरीर में चेंजेस आते हैं, आपके शरीर में हॉर्मोनल चेंजेस होते हैं। तो ये एज आपकी जो ग्रोथ होती है उसको इंडिकेट करती है। तो जब आपके शरीर में इतने सारे चेंजेस होते हैं, तो इस टाइम पे जो आपके निप्पल्स होते हैं उनसे वाटर जैसा डिस्चार्ज हो सकता है, इट्स क्वाइट नॉर्मल। और दूसरी बार कब नॉर्मल हो सकता है? जब आप प्रेग्नेंट होती हैं, तो उस टाइम पे भी देखा गया है कई बार निप्पल से सिंपल पानी जैसा डिस्चार्ज हो सकता है। तो ये दोनों ही कंडीशंस नॉर्मल होती हैं। और फ्रेंड्स, ये जो आपको पानी जैसा डिस्चार्ज है, ये आपको कुछ टाइम के लिए होगा या फिर थोड़ा थोड़ा होगा, ये अपने आप ही बंद हो जाता है, आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर बात करें एबनॉर्मल कंडीशंस की, कि किन कंडीशंस में एबनॉर्मल है, कब आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, तो ये होता है जब ये आपका पानी जैसा डिस्चार्ज एक ही ब्रेस्ट से आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है, और उस ब्रेस्ट में आपको पेन भी फील हो रहा है या कुछ गांठ जैसा लगता है, तो आपको अलर्ट होने की जरूरत है। आपको समझना चाहिए कि ये कंडीशन एबनॉर्मल है। ठीक है, तो बस इतना सही डिफरेंस है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कब आपको अलर्ट होना है और कब आपको समझ जाना है कि ये चीज नॉर्मल है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पसंद आया है वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस देखने के लिए। ठीक है, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।